कुमार, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ समोसा पट्टी और रोल पट्टी की रेसिपी। समोसा पट्टी और रोल पट्टी को जो है घर पर बनाना बहुत ही आसान है, बहुत आसानी के साथ ये बन जाते हैं और बहुत ही मज़े के और क्रिस्पी से समोसे तैयार होते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 कप मैदे के लिए और इसके अंदर मैंने तकरीबन 1 टीस्पून जो है वो नमक का ऐड किया है, 2 टेबलस्पून ऑयल के डाले हैं और 1/3 कप मैंने पानी का लिया है। इसके अलावा जो है वो वीडियो में से स्किप हो गई है, इसमें मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून जो है वो ज़ीरे का भी ऐड किया था। अब इसको आपने जो है वो पानी डाल के इसको गूंद लेना है और यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि पानी जो है वो आपने ग्रेजुअली ऐड करना है, मतलब सारा पानी एकदम नहीं इस्तेमाल करना, आपने थोड़ा थोड़ा करके आपने इसको गूंदना है और इस तरह का गूंदना है, इस तरह की डो बनानी है कि वो सख्त डो तैयार होनी चाहिए। आपने इसकी डो अच्छे तरीके से बना लेनी है और इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देना है। चलिए जी, फिलिंग जो है वो यहाँ पर मैंने 1 कप जो है वो बॉयल्ड चिकन का लिया है, इसके अलावा 2 अनियन मैंने बॉयल्ड लिए हैं और अनियन मैंने 1/2 कप लिया है, 2 बॉयल्ड पोटैटोज़ मैंने मीडियम साइज़ के लिए, शिमला मिर्च मैंने 2 टेबलस्पून ली है और 1 कप मैंने कैबेज का लिया है और सब्ज़ हरी मिर्चें जो चॉप्ड मैंने 3 से 4 ली हैं और सब्ज़ धनिया लिया। यहाँ पर हम इसका मसाला फ्राई करते हैं। मैंने 1 टेबलस्पून जो है वो ज़ीरे का लिया है और इसके अलावा जो है अजवाइन का मैंने 1/2 टीस्पून लिया है, साल्ट 1 टीस्पून लिया है, रेड चिली 1 टीस्पून लिया है, चिली फ्लेक्स मैंने 1 टीस्पून ली है और काली मिर्च मैंने जो है वो भी 1 टीस्पून ली है। इस मसाले को आपने फ्राई कर लेना है और इसको हल्का सा फ्राई करने के बाद जो फिलिंग आपके पास मौजूद है वो इसके अंदर आपने डाल के तकरीबन 2 से 3 मिनट आपने फ्राई करनी है ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पर मैंने जो कैबेज, बंद गोभी और शिमला मिर्च का फ्लेवर इस्तेमाल किया है उसकी वजह से जो है वो बहुत ही क्रंची सा फ्लेवर आपको महसूस होगा। अच्छा जी, इसको आपने 2 से 3 मिनट जो है फ्राई करना है, इसके बाद आपने फ्लेम ऑफ कर देना है और इसके ऊपर आपने सब्ज़ धनिया जो छिड़क देना है, इसकी वजह से इसकी स्मेल जो है वो बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर जो है वो पैदा हो जाएगी। ये जी मेरी डो जो है वो आफ्टर 15 मिनट जो है तैयार हो चुकी है। अब आपने क्या करना है कि इसका रोल बना लेना है, बड़ा सा एक रोल बना लें इस तरीके से जैसे मैंने बनाया है और इसको छुरी की मदद से आपने इक्वल पार्ट में कट कर लेना है और अब इन इक्वल पार्ट्स को आपने जो है वो उसकी डो बना के और उसकी रोटी आपने बेल लेनी है और रोटी जो है वो तकरीबन मेरी 3-4 रोटियां मेरी बन गई थी। इसके बाद आपने क्या करना है कि इनको एक दूसरे के ऊपर रखना है इस तरह कि पहले आपने हल्का सा उसको ऑयल से ग्रीस करना है, थोड़ा सा मैदा छिड़कना है और उसके ऊपर दूसरी आपने रोटी रखनी है। इस तरीके से ये चिपकेंगी नहीं, ये देखें एक दूसरे के साथ चिपक नहीं रही और इसको आपने तवे के ऊपर दोनों साइड से हल्का सा सेक लेना है। चलिए जी, अब इसके समोसे बनाने स्टार्ट करते हैं। अब आपने इसको दरमियान में कट कर लेना है, बहुत ही आसानी के साथ बनने वाला समोसा है, इसकी रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ। ये देखें, अब हमने यहाँ पर मटेरियल ले लिया जो इसको बाइंड करेगा, 3 टेबलस्पून मैंने मैदे के ले लिए और तकरीबन जो है 1/4 कप मैंने पानी का ले लिया। अच्छा, ये बैटर इस तरह का आपने बनाना है, ना ज़्यादा पतला हो और ना ही ज़्यादा थिक बैटर होना चाहिए, ये बाइंडिंग का काम करेगा। ये जी, ये मैंने एक समोसा बना के रखा हुआ है, ट्राइंगल शेप का बनेगा। यहाँ पर आप ऑयल से थोड़ा सा कॉर्नर पे लगा लें ऑयल और इस तरीके से आप इसको बंद कर दें। यहाँ पर आप इसकी फिलिंग डालेंगे। अच्छा, ये चूँकि घर की फिलिंग है, आप जितनी मर्जी डाल सकते हैं, बाजार वाले तो हमें बहुत थोड़ी सी देते हैं लेकिन यहाँ ज़्यादा डाल सकते हैं। यहाँ पर आपने पेस्ट लगा के फिंगर की मदद से इसको हल्के फिंगर की मदद से इसको आपने प्रेस कर देना है। ये देखें जी, कितनी आसानी के साथ और कितना अच्छा सा हमारा ट्राइंगल समोसा जो है वो तैयार हो गया है। इस तरीके से आप काफ़ी सारे समोसे बनाकर अपना फ्रीज कर सकते हैं, शॉपर बैग में या जिप बैग में आप डाल के इसको फ्रीज कर लें। तो इस तरीके से मैंने जो है वो समोसे बना के रखे हुए हैं, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये तो था हमारा जो है वो समोसा, सादा समोसा बनाने की रेसिपी थी। अब हम जो है वो समोसा पट्टी का, किस तरह समोसा बनाया जाता है उसको रेसिपी हम आपको बताएँगे। ये मेरे पास पट्टियाँ हैं, समोसा पट्टी है, इसको इस तरह ट्राइंगल शेप करिए, वहाँ पे आप बैटर लगाएंगी और उसको फिर दोबारा आप उसको फोल्ड करेंगी। ये बैटर डाल के जो उसके बाहर वाली पट्टी होगी ना, वहाँ पर भी आपने फिलिंग लगानी है और उसके बाद उसको उसके ऊपर फोल्ड कर देना है और जो हिस्सा आपका बच जाएगा उसको आपने छुरी की मदद से कट कर देना है। ये देखिए, इस तरीके से आपने इसको फोल्ड करना है और ये जी, इसके अंदर आपने अपनी फिलिंग डालनी है और उसके बाद जो है आपने फिलिंग डालने के बाद इसका जो ऊपर वाला हिस्सा वहाँ पर आप अपना बैटर लगाएंगी और इसको बंद करने के बाद ये हिस्से को आप छुरी से काट देंगे। ये मेरे पास रोल पट्टी मौजूद है। अच्छा जी, इसको बनाने का भी बहुत ही आसान तरीका है, ये रोल पट्टी आपको बाज़ार से भी इजीली अवेलेबल हो जाती है। अब आपने क्या करना है कि इसके कॉर्नर के ऊपर जो है ये पेस्ट अप्लाई करना है, इस तरीके से आपने इसका जो है वो पेस्ट अप्लाई करना है
और इसके दूसरे कार्नर के ऊपर आपने अपनी फिलिंग जो आपके पास मौजूद है वो आपने वहाँ पर रख देनी है। ये फिलिंग इसके ऊपर आपने डाल देनी है। और इसके दोनों कोनों को पकड़ के आपने इस तरह बंद करना है और जो दूसरे ये वाला कोना है इसको इसके ऊपर करके अब आपने इसको टाइटली रोल करना है। इस तरीके से टाइटली आप इसको रोल करेंगी और ये यहाँ पर हमने जो पेस्ट लगाया होता है इसको इसके ऊपर कर देंगे और हल्का सा इसको प्रेस कर देंगे। ले जी, आपकी रोल पट्टी तैयार होगी। इस तरीके से आप काफ़ी सारे रोल बनाकर आप उसको फ्रीज कर सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी से रोल आपके तैयार होते हैं। इस तरीके से आप सारी समोसा पट्टी के जो हैं वो रोल तैयार कर सकती हैं। तो मैंने तो ये काफ़ी सारे तैयार करके रखे हुए हैं फ्रीज़र में, जब ज़रूरत होती है तो वहाँ से निकाल के फ्राई कर लेते हैं। बहुत ही आसान है बनाना। अच्छा, जो मटेरियल आप इसमें इस्तेमाल करते हैं, मैंने तो यहाँ पर आलू और चिकन का मटेरियल लिया था, तो आप इसके अलावा जो वेजिटेबल आपके पास अगर घर में पड़ी है अब वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही मज़े के समोसे और रोल जो है वो तैयार होते हैं। अब फ्राई करने का तरीका क्या है कि आपने पहले ऑयल को गर्म कर लेना है और उसके बाद आप उसका फ्लेम जो है वो मीडियम पे कर लेना है और आपने इसके बाद जो है इनको एक साइड पे जब ये लाइट गोल्डन से हो जाए तो इनकी साइड जो है वो आपने पलट देनी है, इनको फ्राई कर लेना और साइड को पलट देना। ये बहुत ही क्रिस्पी से बनते हैं। ये देखिए मैंने अब जो है वो छोटे समोसे भी तैयार किए हैं और यहाँ पर बड़े समोसा भी मैंने तैयार किए हैं। तो इस तरीके से आप काफ़ी सारे समोसे जो है वो तैयार कर सकती हैं। मैंने जो है वो तकरीबन 24-25 समोसे मेरे जो है कब से तैयार हो गए थे और वो मैंने जो है अपने समोसे जो है वो 25 समोसे जो है वो मैंने फ्रीज कर दिए और जब मुझे जरूरत होती है जितनी लोगों की वो मैं निकाल के अपने फ्राई करें। तो रमज़ान को फ्राई के टाइम जिस समोसे इस्तेमाल किए जाते हैं तो आपके टाइम की बचत भी हो जाएगी। इस तरीके से आप काफ़ी सारे समोसे बनाकर फ्रीज कर सकती हैं तो आपके टाइम की बहुत सारी बचत हो जाएगी। आप आराम से जितनी आपको जरूरत है वो आप समोसे जो है वो निकाल के और वो निकाल के फ्राई कर सकती हैं। तो रोज भी आप इसी तरह फ्राई करना है। हल्के मीडियम आंच के ऊपर आपने जो है वो इसको फ्राई करना है। लाइट गोल्डन हो जाए ज़्यादा इसको नहीं आपने करना। तो उसके बाद जो है आप इसकी साइड पलट दें और इस तरीके से आप समोसे बनाएं और फिर इसको जो है वो अपने काड़ी में फ्री में आप इस्तेमाल करें। मैंने इस मीडियम अंदर इस्तेमाल किए वो बहुत ही मज़े की बनी थी और जो सब अजन एंड पे डाला था उसकी वजह से उसके अंदर जो स्मेल आई है वो तो बहुत ही लाजवाब थी। तो ये जी मेरे क्रिसमस समोसे तैयार हो चुके हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें और मेरे मुझे फीडबैक ज़रूर दें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। शुक्रिया।